बच्चे के सर पे मारता हूँ। बघीरा तुम मैं घबरा गया था बघीरा, तुमने बचा लिया। मैं उस गेंडे के बच्चे को मारना चाहता था पर उसकी माँ बीच में आ गई। अब बहाने मत बनाओ, मैंने सब कुछ देख लिया मोगली। तुम इस लकड़ी के खिलौने को पंजा कहते हो, इससे तो गेंडे की माँ भी नहीं रुकी। मेरा पंजा उसके सींग से जा टकराया वरना रुक जाती। जाने दो, अभी बच्चे हो। तुम्हारी माँ तो ये सोचकर परेशान होती होगी, पता नहीं तुम कब अपने पैरों पर खड़े होगे। मुझे लगता है बेचारी अभी तक तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती होगी। ए, लीला की बच्ची रुक जा तू। की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? बच्चा नहीं हूं मैं। आ गया। अरे ये इतना आकर्षित क्यों है? साथियों, एक जरूरी और चिंताजनक खबर है। दक्षिण दिशा में रहने वाले जंगली कुत्ते पानी और शिकार की तलाश में अब हमारी तरफ आ रहे हैं। जंगली कुत्तों के इलाके में सूखा पड़ गया है, लेकिन अभी तक हमारे इलाके में बहुत पानी है। उनके आने से हमें परेशानी हो सकती है। यहाँ दो झुंड के लिए जगह नहीं और वो लड़े बिना मानेंगे नहीं। वो कुत्ते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो साधारण कुत्ते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढने निकले हैं। हाँ, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहना आसान नहीं, हम सबको मिलकर उनका सामना करना है। अगर उनका झुंड बहुत बड़ा हुआ तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, हमें सावधान रहना होगा, वो हम पर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उन पर नजर रखने के लिए हमारा एक साथी गुप्त रूप से उनके इलाके में जाए। मैं निगरानी रखूंगा सरपंच। कुछ कहने से पहले इतना जान लो, ये बहुत ही खतरनाक काम है। जंगली कुत्तों के अलावा उस इलाके में हमारे और भी बहुत से दुश्मन हैं। क्या तुम सबका सामना कर सकोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। और हम भी तैयार हैं रक्षक बनने के लिए। हाँ सरपंच, निगरानी का काम मैं और पकड़ू ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। रुको सरपंच, ये काम मैं करूंगा, आज्ञा दो। हाँ? मैं जानता हूँ ये काम खतरनाक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये काम मैं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है मोगली। अभी तुम इसके काबिल नहीं हो मोगली, फिर गड़बड़ कर दोगे। अब हम तुम्हारी कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं गलती कर दूंगा, जब मुझे कोई काम दिया ही नहीं जाएगा। मैं भी झुंड का एक योग्य सदस्य बनना चाहता हूँ। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, समझी? सरपंच, निगरानी का काम मुझे दिया जाए। क्या तुम सच्चे मन से कह रहे हो मोगली? हाँ। क्या तुम वाकई बड़ों की तरह काम करना चाहते हो? हाँ। और क्या ये भी सच है मोगली, तुम झुंड के काम आना चाहते हो? तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? हाँ सरपंच। तो ठीक है साथियों, ये बात काफी गौर करने लायक है। मोगली कहता है कि वो अब बड़ा हो गया है और झुंड के लिए कोई बड़ा काम करना चाहता है।
मैं चाहता हूँ कि ये काम मोगली को ही सौंप दिया जाए। अब बताओ क्या विचार है? उसे एक मौका देना चाहिए। हाँ हाँ जरूर देना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मोगली, हमें पूरा विश्वास है कि तुम सच्चे मन से अपना फर्ज निभाओगे। अब जरा उनसे भी पूछ ले जो इस काम के लिए पहले तैयार हुए थे। जी सरपंच। बोलो साथियों, मोगली इस कार्य पर जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं मोगली, सफल होकर लौटना मोगली। मैं पूरी कोशिश करूंगा पकड़ू। अगर तुम दोनों सरपंच से मेरी सिफारिश ना करते तो सरपंच तुम्हें ही भेजता। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना मोगली, और हाँ रास्ता मत भूल जाना। याद रखना सूरज पश्चिम में डूबता है, कोई मुश्किल आ पड़े तो घबराना मत, हम तुम्हें सही सलामत वापस ले आएंगे। तुम चिंता मत करो। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा दोस्तों फिर मिलेंगे। मोगली। अरे लीला तुम अपना ख्याल रखना। क्या बात है, आज बड़े प्यार से बात कर रही हो। मुझे नहीं लगता तुम सही सलामत वापस आ पाओगे, इसलिए तुम्हारे आखिरी वक्त पे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती। हाँ? अच्छा चलती हूँ। लगता है पागल हो गई है। मुझे उस पे नजर रखनी होगी, मैं चलता हूँ। क्या उसे मदद की जरूरत पड़ेगी? जरूरत ना भी पड़े तो भी मुझे जाना होगा, मैंने वादा जो किया था चमेली को। अच्छा बालू। अच्छा तो मोगली दक्षिण की ओर जा रहा है। जी शेर खान, जंगली कुत्तों की खबर लेने। आखिर वो भेड़ियों के झुंड से दूर तो हुआ, हम उसका पीछा करेंगे तबाह की। अभी चलिए सरकार। लगता है अब यहीं सोएगा। अब मेरा पैर ठीक है।
बंदर को भी ले चलते हैं। अब अपना ख्याल रखना। अच्छा अब तुम बताओ बघीरा, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो? जंगल से निकलते ही मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे काम में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है बघीरा। गुस्सा क्यों होते हो मोगली? क्या तुम खुश नहीं कि मैं वक्त पर पहुंच गया? तुम मेरी मदद करोगे तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ? बघीरा तुम इसी वक्त वापिस चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा। कमाल है, एक तो तुम्हें बचाओ और ऊपर से तुम्हारी बातें सुनो। जो चाहो करो, लेकिन इतना याद रखना तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे। अब क्या हुआ इसे? मुझे लगता है उन जंगली कुत्तों ने अपना नया इलाका ढूंढ लिया है। जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ रहकर उनकी निगरानी करूंगा। मोगली, जंगली कुत्ते स्वभाव से लड़ाकू होते हैं। वो देखो कैसे आराम कर रहे हैं। नजदीक पानी भी है, अब वो यहाँ से हिलने वाले नहीं। चलो, तुम्हारे साथियों के लिए अच्छी खबर है। शेरखान, रुको मोगली। अब क्या हुआ, क्या बात है? शेरखान आ गया है। शेरखान और यहाँ? यहाँ से भाग चलो मोगली, उससे लड़ना पड़ा तो हम बच नहीं पाएंगे। लगता है हुजूर, बघीरा की मदद से मोगली निकलकर भाग जाएगा। शेर खान से बचना इतना आसान नहीं। मोगली और बघीरा मेरी चुंगल से बच नहीं सकते। बहुत इंतजार किया है मैंने, बहुत। सबर का फल हमेशा मीठा होता है। अब मोगली तुम भाग नहीं सकते और लड़ भी नहीं सकते। अब मैं तुम्हारी बनाऊंगा चटनी। दूर हटो बघीरा। भाग जाओ मोगली। खबरदार बघीरा, दूर रहो। वो सुकड़ू बच्चा फिर फिसल गया मेरे हाथ से। देखता हूं किस्मत कब तक साथ देती है उसका। Thank you.
मोगली कहाँ हो तुम? बोलो मोगली। बगीरा बचाओ, मैं यहाँ हूँ। बगीरा बचाओ। घबराओ मत मोगली, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अब नहीं बच पाऊंगा बगीरा। बगीरा। मैं आ गया हूँ मोगली, धीरज रखो। बगीरा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। तुमने अपना फर्ज बहादुरी से निभाया है, हमें तुम पे गर्व है मोगली। मुझे खुशी है कि तुमने अपना फर्ज निभाया, और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम सही सलामत घर लौट आए। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। अब समझ में आया बड़े होने का मतलब। मुझे भी घर छोड़ना होगा ना माँ। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। सोचता हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा माँ। दूसरों की नजरों में बेशक तुम बड़े हो गए हो मोगली, पर मेरी नजरों में तुम अब भी छोटे बच्चे हो। तुम्हारा अभी घर छोड़ने का समय नहीं आया मेरे लाल। माँ मैं घर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। जब तुम जवान हो जाओगे तब तुम्हें जाना ही होगा मोगली। यही है जंगल का कानून। तुम निडर हो, साहसी हो, मुझे विश्वास है अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लोगे, अपने पिताजी की तरह। हाँ माँ। अरसा हो गया साथ चले, चलो नदी किनारे घूमने चलते हैं। चलो। मैं तुमसे आगे निकल आया माँ। अच्छा ये बात है। चलो ना नदी तक दौड़ लगाते हैं माँ। आओ अब पकड़ो मुझे। कितना भाग्यशाली है हमारा मोगली, क्यों बगीरा? हाँ देखते देखते कितना बड़ा हो गया है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अरे चट्टी पे
रुक जाओ यहीं। अब चलो, जरा पत्थरों से बचकर निकलना। आओ। तेज दौड़ो, यहां मनुष्य हो सकते हैं। क्या? मनुष्य? बचो इनसे। लेकिन चनिया घायल है। नहीं चंदा, नहीं। वो मेरी बहन है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती चंदा, बहुत देर हो चुकी है। चलो। चनिया, उठो चनिया। ध्यान से सुनो, हम दोनों एक ही वंश के हैं, तुम और मैं, यही हमारा महामंत्र, कभी भूलना मत इसे। ठीक है, तुम और मैं हैं? तुम और मैं एक वंश के हैं, अब दोहराओ इसे। देखता हूँ, हम तुम मैं हाँ? तुम और मैं एक वंश के हैं। शाबाश, कभी मत भूलना ये शब्द मोगली, याद रखना ये महामंत्र, दोहराओ जब मिलो अजनबी शिकारी से। जब भी दोहराओगे ये महामंत्र, शिकारी हमला नहीं करेगा, यही है कानून। अब कहो इसे। सुना नहीं? दोहराओ इसे। हम तुम नहीं, नहीं, हम एक वंश के हैं, तुम और मैं। फिर मैं पहुंच ही गया। देखो चंदा, इन्हीं जंगलों के बीच में बड़ा हुआ हूं। आओ चंदा, थोड़ा आराम कर लें, फिर अपने लिए जंगल में कोई जगह ढूंढते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रम, मेरी बहन तो चली गई। दोस्तों, हम एक नए जंगल में जा रहे हैं, अपना सर ऊंचा रहना चाहिए, बहादुरी से। अब आराम करते हैं। हाँ, सब भाग गए, लगता है कोई खतरा है। हाँ, सामने आओ। ए, रुक जाओ, कौन हो तुम? सावधान,
ये मनुष्य हमारी भाषा बोलता है। मैं मनुष्य नहीं। चुप रहो, तुम भले ही हमारी भाषा जानते हो लेकिन हमारे दुश्मन हो। मारो इसे। रुक जाओ बघीरा। तू ये मनुष्य की तरह दिखता जरूर है मगर है भेड़िया। ओ, तुम बघीरा हो ना? विक्रम, मगर तुम कब यहाँ लौट आए? क्या ये तेंदुआ तुम्हारा पुराना दोस्त है? मोगली, ये विक्रम है, लीला के पिता। अभी तक बिल्ली बने हो मनुष्यों के लिए बघीरा? क्या कहा? हट जाओ तेंदुए, ये लड़का हमारा शिकार है। आगे मत बढ़ना, सुना नहीं? ये मनुष्य दिखता है मगर है भेड़िया। भेड़िया होता तो इसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो दोस्तों, तुम और मैं एक वंश के हैं। चंदा, ये लड़का महामंत्र जानता है, क्या इसे तुमने सिखाया है बघीरा? जी नहीं, ये मोगली है, बहादुर मोती का बेटा। मोती का? क्या वो भी यही है? वो अब नहीं रहा। अफसोस। अरे, ये तो विक्रम है। तो क्या ये तुम्हारी बेटी है लीला? मेरी बेटी? कैसी हो चमेली, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ विक्रम, इससे पहले कि तुम खा पी कर अपने दोस्तों से मिलने चले जाओ, हम तुम्हारे बीते दिनों के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ सरपंच, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मेरा झुंड में लौटने का कोई इरादा नहीं था। फिर क्यों आ गए? मनुष्यों ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया और हम नए जंगल की तलाश में निकल पड़े, जहाँ हम शांति से रह सकें। यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे मोती के मरने की खबर मिली और तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। ओ पिताजी। दोस्तों, क्या हमें अपने झुंड में शामिल करोगे? क्यों नहीं विक्रम, तुम हमारे नए सरपंच बन सकते हो। हाँ, अच्छा विचार है। यहाँ तुम्हारा स्वागत है विक्रम। धन्यवाद चमेली, मैं मोती के ऊंचे आदर्शों को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो पिताजी की बराबरी नहीं कर सकता। अकड़ू। सही कहा अकड़ू, मैं मोती को जानता था, मुझ में उस जैसी ताकत और अकल आधी भी नहीं। मैं मोती की बराबरी कभी नहीं कर सकता, फिर भी कोशिश करूंगा। और हो सकता है कुछ सालों में तुम ही सरपंच बन जाओ। हाँ? अब मैं सरपंच पद जवान पीढ़ी के हाथों सौंपता हूँ। लेकिन लड़के का क्या होगा? उसे झुंड से निकाल दिया जाए, वो एक मनुष्य है। क्या ये सच नहीं है? मैंने मोती को वचन दिया था। मैं किसी मोती को नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मनुष्य ने हर जगह भेड़ियों की शांति में भंग डाला है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी बहन को मार डाला। मैं नहीं भूल सकती मनुष्यों ने हम पर क्या क्या अत्याचार किए हैं। वो हमारी तरह अपना पेट भरने के लिए शिकार नहीं करते, वो शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, मस्ती के लिए। ठीक कहा। मनुष्य निर्दयी होते हैं। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सब मनुष्य एक जैसे होते हैं, ये लड़का भी। मैं नहीं मानता, कोई भी मनुष्य इतना कठोर और अत्याचारी नहीं हो सकता।
मनुष्यों ने हमें बर्बाद कर दिया है। हाँ, उन्होंने इसकी बहन को मारा है। लेकिन कैसे? ना तो उनके पास पंजे होते हैं, ना ही नाखून। मोगली भेड़िए की तरह पला है, मनुष्य के बारे में कुछ नहीं जानता। ये हमारा भाई है। सुन लिया तुमने, मोगली कोई मनुष्य नहीं, एक सच्चा भेड़िया है। बिल्कुल नहीं, वो मनुष्य है। अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं जा रही हूँ। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। बहुत बुरी बात है ये। क्या आदमी इतने खतरनाक होते हैं? हाँ, उनसे संभल कर ही रहना चाहिए। वो मनुष्य ही थे जिनके कारण हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। तुम बहुत बोल चुकी चंदा। विक्रम, मैंने आज तक झुंड के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अब मैं किसी मनुष्य के साथ नहीं रह सकती। तुम चाहो तो यहाँ बड़े शौक से रह सकते हो, लेकिन हम अपना सफर जारी रखेंगे। चलो। रुको चंदा। चंदा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम जानती हो। चंदा रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। पिताजी। जरा धीरे भागो लीला। पिताजी, मुझे दोबारा छोड़कर मत जा। पिताजी, मुझे तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिला, और फिर चले गए तो मैं हमेशा तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊंगी। मोगली, मोगली रुक जाओ। मैं मनुष्य हूँ, वो सच कहती है, मुझे भेड़ियों के झुंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन तुम मनुष्य नहीं हो मोगली, तुम तो भेड़िए हो हमारी तरह। नहीं, मैं मनुष्य हूँ। नीचे आओ मोगली, मुझे अकेला छोड़ दो। मोगली मान जाओ। क्या कहा? विक्रम झुंड में लौट आया है? जी हुजूर, उसके साथ अपना पूरा झुंड भी है। अच्छा, बहुत अच्छा। जी सरकार, बहुत ही अच्छा हुआ है। उन भेड़ियों को मनुष्य बिल्कुल ही पसंद नहीं। देखना सरकार, वो सब मिलकर मोगली को झुंड से बाहर निकाल भगाएंगे। ओ, ओ, ओ। विक्रम एक ईमानदार भेड़िया है, वो मोगली को नहीं भगाएगा। हमें इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहिए। जासूस बंदरों को बुलाओ। जी हुजूर, अभी लाता हूँ। बच्चे, इस बार तुम नहीं बचोगे। आगे जाकर उस भैंस का रास्ता रोको। विक्रम की योजना कामयाब रही। आहा, लगता है आज सभी को भरपेट मिलेगा खाने को। अरे, ये मोगली कहां गायब हो गया? अब वो कहीं चला ही जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें मोगली से क्या शिकायत है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, लेकिन चंदा ने मोगली के साथ झुंड में रहने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो मनुष्य है। अगर वो चली गई तो विक्रम भी उसके साथ जाएगा, लीला फिर से अनाथ हो जाएगी, हम एक महान सरपंच को खो बैठेंगे। अगर चंदा की बात सच है तो मोगली को झुंड से निकाल देना चाहिए। बस बहुत हो गया। हमला, हमला करो दोस्तों। Thank you.
मैंने सोचा तुम यही मिलोगी। आओ बगीरा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना, मोगली को झुंड से निकाला गया तो तुम उसके साथ जाओगी, लेकिन मोगली जंगल नहीं छोड़ेगा, वो अब भी नदी के पास बैठा है। धन्यवाद बगीरा। मनुष्य ही थे जिनके कारण हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। वो हमारी तरह अपना पेट भरने के लिए शिकार नहीं करते, वो शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, अपनी मस्ती के लिए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लीला फिर से अनाथ हो जाएगी, हम एक महान सरपंच को खो बैठेंगे। मोगली को झुंड से निकाल देना चाहिए। पिताजी, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ। पिताजी, मुझे तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिला। अब फिर चले जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊंगी। बस करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस करो। क्या हुआ मोगली, बताओ मुझे। मोगली। पप्पू। पप्पू। हाँ, क्या बताओ। क्या मनुष्य सच में इतने ही जालिम होते हैं? माँ, पप्पू, भागो यहाँ से जल्दी। माँ नहीं। बताओ पप्पू, मनुष्य इतने जालिम क्यों होते हैं? मैंने बहुत दिनों से मनुष्य को नहीं देखा, पर तुम क्यों जानना चाहते हो? मैंने मनुष्य को कभी नहीं देखा, लेकिन जानना चाहता हूँ क्या मनुष्य इतने जालिम होते हैं जैसा सब कहते हैं? छोटा सा था तब उन्हें देखा था, डर गया था उनसे। तुमने कहाँ देखा था? मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें मनुष्य देखने हैं? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ मोगली। कौन है? पांडा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अब तुम बोलो मोगली। मुझे बताओ कहाँ है मनुष्य? इस तरफ मोगली। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बाहर आओ, मुझे मनुष्यों के पास ले चलो। बाहर आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। इधर आओ मोगली, हम तुम्हारे सामने हैं, इस पेड़ पर। मोगली, वो बंदर है, उनके साथ मत जाओ। पागल मत बनो, वो तुम्हें फंसा रहे हैं। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ पप्पू। मान जाओ मोगली,
तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा पप्पू। ठीक कहते हो मोगली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पांडा तुमसे जलता है, इसीलिए तुम्हें रोकना चाहता है। पप्पू, मुझे मनुष्यों को अपनी आँखों से देखना है। मुझे जाने दो पप्पू, वरना जून को मेरी वजह से परेशानी होगी। मत जाओ मोगली, वो बंदर तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, जाने दो मुझे। आओ मोगली, मोगली, मोगली। हमें किस तरफ जाना होगा? अरे छोड़ दो मुझे। आओ मुझे बगीरा और सबको बताना चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। वाह बच्चू, तुझे लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे?
बंदरों ने आज कुछ अच्छा शिकार पकड़ा है, देखे तो सही क्या चीज है। ये तो भालू का दोस्त है। अच्छा हुआ चील ने देख लिया। चील! मोगली, मोगली, तुम कहाँ हो मोगली? जवाब दो। मोगली! हाँ? कहाँ चला गया? पप्पू, ये क्या हो गया तुम्हें? मोगली कहाँ है? बंदरों की कैद में। इसका मतलब ये शेरखान की चाल है। मोगली की जान खतरे में है, उसे बचाओ। समझ में नहीं आता पप्पू को यहाँ इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूँ। ये भालू भी अजीब है, जब जरूरत पड़ती है कहीं गायब हो जाता है। सब काम मुझे करना पड़ता है। शहद से मीठा कुछ भी नहीं। अगर मोगली सब कुछ सीख ले तो इनाम में उसे भी थोड़ा सा शहद दूंगा। भालू, तुम्हारे लिए एक खास खबर है। मेरे लिए खबर? चील कब से खबर रखने लगी जंगल की? भालू, मैं तुम्हें मोगली के बारे में बताने आया हूँ। तुमने उसे देखा? हाँ, मुझे लगा वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। चील, बचाओ मुझे। सुनो बंदरों, हम एक वंश के हैं, तुम और मैं।